कल क्या करूं? कल पीछा टू एक चमाट लगाऊंगी मैं। खालिद खालिद मुझे छोड़ो वरना मैं अजान को बता दूंगी और फिर अजान तुम्हारा कीमा बना देगा। कहाँ चली गई नूर? नहीं, अजान बेटा मुबारक हो। नूर कुछ मत बोलो, तुम चाहती हो ना मैं कुछ क्या? नहीं नूर, नूर कहाँ चली गई ये? सॉरी मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर को छूने की? आप दोनों का तुम दूर आओ, तुम चलो, तुम यहाँ से जाओ, तुम जाओ, मैं बोल रहा हूँ। नूर पहले अकेली थी, तो एक थी, पर अब एक और एक 11 हो गए। अगर शायरा को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो No, 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 no.
ये सब क्या हो रहा है? खुदा हाफिज़। बहुत सारे आए हैं तोहफे, आप देख लीजिएगा एक बार, है ना? अजान, नूर कहाँ है? हाँ, शायरा भी दिखाई नहीं दे रही। क्या आप लोगों को उन दोनों के अलावा कोई दिखता है क्या? अनी, हमारा भी निकाह है, थोड़ी इम्पोर्टेंस हमें भी दीजिए। क्यों खाला? जी बिल्कुल, क्योंकि आप तो हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना मीनू। हर समय तो बल्कि अपनी होने वाली बीवी और दोस्त के साथ ही रहते हैं। खाला और अम्मी के लिए समय कहाँ है? फुर्सत ही नहीं है, हमें भूल गए हैं। खाला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ खाला? और वैसे भी खाला, पहली मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। और वैसे अम्मी, आप और खाला ना बिल्कुल मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड की तरह। आप दोनों के सामने ना वो दोनों लड़कियां दिया जिस बातें बनाना तो कोई अजान से सीखे। जी आपको यही हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता नूर और शायरा को आपकी जरूरत है। झूठ बोलो तो कौवा खाओ, आज तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। जी तो करता है कि तुझे ऐसी सजा दूं कि जिंदगी भर याद रखे। सजा आप नहीं, कानून देगा। शायरा बेटा, शायरा प्लीज ऐसा गजब मत करो। ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना, हमारी बेबी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी बेबी ने जो हरकत की है उसके बाद उसे जो भी सजा मिले वो भी कम है। हम जा रहे हैं पुलिस को बुलाने। हाँ शायरा, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, अल्लाह के लिए ऐसा मत करना, वरना मैं और खालिद के अबू दोनों जहर खा के जान दे देंगे। जहर? ऐसा मत कीजिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें खालिद की ही भलाई है। जुर्म चिंगारी होता है और चिंगारी को छुपाने वाले खुद उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। नूर बेटा, बेटा तुम शायरा को समझाओ ना। बेटा तुम्हारा तो निकाह होने वाला है, तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? वैस क्या कहेगा? अल्लाह ना करे अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो। हमारे साथ साथ बेटा तुम्हारी भी बदनामी होगी। नूर की क्यों बदनामी होगी? बदनाम होने वाली हरकत आपके बेटे ने किया है, नूर का कोई दोष नहीं है। शायरा बेटा ऐसा तुम्हें लगता है, दुनिया ऐसा नहीं सोचती। गलती चाहे किसी की भी हो, बदनामी बेचारी लड़की की ही होती है। यही दुनिया की रवायत, इस रवायत को बदलना होगा। आप दोनों रईस है ना, अगर आपके घर कोई चोर आ जाए तो इसमें आपकी गलती या फिर उस चोर की?
चोरी की गलती है बेटा, अब अमीर होना कोई गुनाह तो नहीं है। लड़की होना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई एक लड़की को बुरी नजर से देखता है तो उसमें लड़की की नहीं, बुरी नजर डालने वाले की गलती है, आपके बेटे की गलती है। शायरा, जरा सुरैया की हालत देखो। ऐसी हालत यास्मीन बीवी की भी हो सकती है। नूर और फैज का निकाह भी उसी दिन होगा जिस दिन अजान और शायरा का।